क्या हुआ जब द्रौपदी ने पांडवों से कहा कि वो कर्ण से प्रेम करती है। महाभारत में रहस्यों की कोई कमी नहीं है। महाभारत के ऐसे ही एक रहस्य है द्रौपदी और कर्ण की अनसुनी प्रेम कहानी, जिसे जानकर आपका होश उड़ जाएगा। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना मत भूलें। जुए में हारने के बाद पांडवों को 12 वर्ष के लिए वनवास में जाना पड़ा था। वनवास के दौरान एक दिन द्रौपदी ने एक जामुन के पेड़ पर एक जामुन का गुच्छा लटकते हुए देखा। द्रौपदी ने उस गुच्छे को पेड़ से तोड़ लिया। इस बारे में जब भगवान श्री कृष्ण को पता चला तब वो तुरंत द्रौपदी के पास आए। उन्होंने द्रौपदी से कहा, इस फल को खाकर एक साधु अपना 12 वर्ष का उपवास तोड़ने वाले थे। अगर उस साधु को इसका पता चलेगा तो वो पांडवों को भयानक श्राप दे देंगे। ये सुनकर पांडव बहुत भयभीत हो गए। उन्होंने श्री कृष्ण से सहायता मांगी। तब भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों से कहा, पांडवों को पेड़ के नीचे आकर अपने सारे राज बताने होंगे, तब वो फल धीरे धीरे ऊपर की ओर जाकर पेड़ में फिर से लग जाएगा और ऐसे पांडव उस साधु के श्राप से बच जाएंगे। भगवान श्री कृष्ण की बात सुनकर सबसे पहले युधिष्ठिर पेड़ के नीचे आए और उन्होंने कहा, पांडवों के साथ जो भी हुआ है उसके लिए द्रौपदी जिम्मेदार है। युधिष्ठिर के ये कहते ही जामुन का गुच्छा 2 फीट ऊपर उठ गया। इसके बाद भीम ने पेड़ के नीचे आकर कहा कि वो धृतराष्ट्र के सारे पुत्र को मार डालेंगे। ये कहते ही जामुन का गुच्छा और ऊपर आ गया। अब अर्जुन की बारी आई। अर्जुन ने कहा, जब तक वो कर्ण का वध नहीं करेंगे तब तक उनका उद्देश्य पूर्ण नहीं होगा। कर्ण को मारने के लिए अगर छल भी करना पड़ेगा तब भी वो पीछे नहीं हटेंगे। जब अर्जुन ने ये कहा तब वो फल और ऊपर उठ गया। इसके बाद नकुल और सहदेव ने भी अपना राज बता दिया। अब द्रौपदी की बारी आई। द्रौपदी ने कहा, मेरे 5 पति मेरे 5 ज्ञानेंद्रिया है। मैं अपने पतियों के दुर्भाग्य का कारण हूँ। मैंने ऐसी गलतियाँ की है जिसके कारण आज भी मुझे पछताना पड़ रहा है। द्रौपदी की ये कहने के बाद भी फल ऊपर नहीं गया तब भगवान श्री कृष्ण समझ गए कि द्रौपदी जरूर सबसे कोई राज छुपा रही है जिसके कारण ये फल ऊपर नहीं जा रहा है। तब उन्होंने द्रौपदी को सब कुछ सच सच कहने के लिए कहा। तब द्रौपदी ने कहा, मैं अपने 5 पतियों के सिवा एक 6ठे पुरुष से भी प्रेम करती हूँ। वो 6ठे पुरुष है महारथी कर्ण। मैंने जाति के कारण कर्ण से विवाह नहीं किया था लेकिन इसके कारण अब मैं पछता रही हूँ। अगर मैं कर्ण से विवाह करती तो मुझे इतना कष्ट नहीं सहना पड़ता। द्रौपदी के ये कहते ही वो फल पेड़ पर लग गया। द्रौपदी के इस राज को जानकर सभी पांडव बहुत चौंक गए थे। दोस्तों, मूल महाभारत में कहीं भी इस कहानी का वर्णन नहीं है लेकिन महाभारत के अलग अलग संस्करण भारतवर्ष में मौजूद है। इनमें से एक है भील महाभारत और भील महाभारत में ही इस कहानी का उल्लेख है। मूल महाभारत में कहीं भी द्रौपदी और कर्ण में प्रेम की बातें नहीं है। दोनों ही एक दूसरे से बहुत घृणा करते थे लेकिन मूल महाभारत के अनुसार अगर कर्ण चाहते तो वो द्रौपदी से विवाह कर सकते थे। ज्यादातर लोगों को मालूम है कि स्वयंवर में द्रौपदी ने कर्ण को सूत पुत्र कहकर ठुकरा दिया था लेकिन क्या आप जानते हैं एक बार कर्ण ने भी द्रौपदी को ठुकरा दिया था। ये बात कुरुक्षेत्र युद्ध से पहले की है जब भगवान श्री कृष्ण कर्ण से मिलने गए थे। उन्होंने कर्ण को अपनी असली पहचान बताई थी कि वो कोई सूत पुत्र नहीं बल्कि कुंती पुत्र थे। उन्होंने कर्ण को पांडवों के पक्ष में आने के लिए बोला था। इसके बदले वो ही हस्तिनापुर के सम्राट बनते। पांडवों के बड़े भाई होने के कारण तब द्रौपदी भी कर्ण से विवाह करती लेकिन कर्ण ने भगवान श्री कृष्ण के इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया था क्योंकि वो अपने मित्र दुर्योधन से विश्वासघात करना नहीं चाहते थे। द्रौपदी महाभारत काल की सबसे सुंदर स्त्री थी जिसे सब पाना चाहते थे लेकिन कर्ण ने द्रौपदी को भी ठुकरा दिया था क्योंकि उन्होंने पहले ही सूत कुल के स्त्री से विवाह कर लिया था और वो अपने पत्नी से बहुत प्रेम करते थे। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या सच में द्रौपदी और कर्ण के बीच कोई प्रेम संबंध था? कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो पसंद आई हो तो इसे जरूर एक लाइक कर देना।